आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खबर रामबन से। आज रामबन की सीआईटीयू डाक बंगले में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सीपीआईएम नेता मोहम्मद यूसुफ तरगामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आइए सुनते हैं। इसकी कमीशनिंग हुई और उसके बाद उसका दूसरा मरहला 450 मेगावाट और बढ़ा दिया गया, लेकिन आज उस प्रोजेक्ट को चलाने वाला वर्कर, उस प्रोजेक्ट को चलाने वाला डेली वेजर, उस प्रोजेक्ट को चलाने वाला नीड बेस्ड वर्कर दर दर की ठोकरें खा रहा है। और मैं शर्म करता हूं ऐसी सरकार को कि जिन्होंने मजदूर के साथ हर वक्त ऐसा एहतसाल किया, जबकि बगलियार प्रोजेक्ट 900 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। तंजीम बनाने की कोशिश करते हैं तो मैनेजमेंट से लेकर दलाल तक, दलाल से लेकर अफसर तक, अफसर से लेकर सियासी नुमाइंदे तक, सारा ये जो गुट है जमा हो जाता है और चिल्लाता है मजदूर को, मजदूर के नेता को, मजदूर के हक में बोलने वाले को गुंडा कहते हैं। बोली थानेदार का दलाल बोलता है, यही बोली डीसी साहब का परवरदा बोलता है, और यही बोली सरकार का किसी ने जोला पहना होगा दलाली का, सरकारी दलाल वो भी यही भाषा बोलता है। आज कह दे उनसे, और आने वाला सेशन है असेंबली का, आने वाला सेशन है असेंबली का, मैं कहने वाला हूं उस ऐवान में चीफ मिनिस्टर से और उसके मंत्रिमंडल से, पूरी असेंबली को कहने वाला है, जब मेरा मजदूर गुंडा हुआ, जब मेरा किसान गुंडा हुआ, तो भला आपकी सरकार तो गुंडों की सरकार ही हुई ना, क्योंकि आपको वोट मिले उन्हीं गुंडों ने डाल दिए, मैं कहने वाला हूँ। ये थी जम्मू के रामबन से सरवर कटोच की रिपोर्ट। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।